ब्लॉगिंग से पैसे किसको नहीं कमाने हैं, लेकिन ब्लॉगिंग हमेशा फ्री नहीं होती है। आपको इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, होस्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद थीम्स में, प्लगइन्स में, और एक और चीज़ में जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है वो है रिसर्च पे, कि अच्छे कीवर्ड्स ले पाओ आप लोग, किस टॉपिक पे लिखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि ये कि आपने सबसे ज़्यादा जिसमें पैसे मिल रहे हैं उस टॉपिक पे लिखा है। जी नहीं, जिस टॉपिक पे आप लोग रैंक हो सको ब्लॉगिंग में या आपको सोशल ट्रैफिक आ सके, उस टॉपिक पे लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसके लिए यू विल नीड अ टूल। अब वहाँ पर भी आपको इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर कुछ बताऊँगा एक अच्छे फ्री ऑप्शंस फॉर कीवर्ड रिसर्च। एंड एक बात मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन करते हैं कि पेड टूल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मत ही लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, पेड टूल की रिक्वायरमेंट है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। अभी अब अगर आप लोग यहाँ पे फ्री वाले यूज़ करोगे तो यू विल नीड टू गो टू डिफरेंट वेबसाइट्स, कहीं से बैकलिंक देखोगे, कहीं से कीवर्ड वॉल्यूम देखोगे, कहीं से डिफिकल्टी देखोगे, तो वो सब यहाँ पर आपको मिक्स मैच करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में दिस इज़ इनफ। इफ़ यू हैव मनी, गो फॉर अ पेड टूल। कौन से ऑप्शन से? एचरेफ, सेमरश, दोनों बहुत बड़े ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर दैट। नहीं है पैसे तो यू हैव टू डू दैट ट्रेड ऑफ कि ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर रिसर्च, लेकिन मेरे पैसे बच रहे हैं। तो स्टार्टिंग में इट्स अ ग्रेट ऑप्शन टू स्टार्ट विथ। तो बिना किसी डिले के मैं यहाँ पर आपको अभी बता देता हूँ मेरे फेवरेट्स फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और जो बेहतरीन ऑप्शन है फॉर फ्री वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये आपको फ्री में मिल जाएगा, आप लोग गूगल कर लेना गूगल कीवर्ड प्लानर, लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसके बाद यू कैन क्लिक विजिट कीवर्ड प्लानर, उसके बाद ये आपसे एक एड्स अकाउंट बनवाएगा, आपको सिर्फ उस पर ज्वाइन कर देना है, एंड उसके बाद यू विल गेट दिस, इस तरह का आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। अब ये जो है ये है गूगल एड्स के लिए, लेकिन जो एड्स पे वर्क करता है वो SEO पे भी आपको रिलेटेबल यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दे देगा। सो आई क्लिक यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पर आपको आपका सीट कीवर्ड डाल देना है। जैसे अगर मेरा सीट कीवर्ड है हाइकिंग ट्रिप्स, और यहाँ पर कि आप कौन सी कंट्री के लिए लिख रहे हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आई सिलेक्ट दिस, इंडिया को मैं हटा दूंगा यहाँ से, आई क्लिक सेव, एंड उसके बाद गेट रिजल्ट्स, और ये यहाँ पर मुझे दे देगा कि कौन से यहाँ पे कीवर्ड्स है और इसकी कितनी एवरेज सर्च वॉल्यूम आ रही है। ये आपको एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम नहीं देगा, उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको भी आगे चल के बताऊँगा। यहाँ से आप लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, और ये गूगल के ऑफिशियल फिगर्स है फॉर एड्स डेटा, लेकिन एड्स और SEO काफ़ी हद तक रिलेटेड रहेंगे, तो ये आप लोग यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली एक फिगर तो ले ही सकते हो। तो जैसे हाइकिंग पैकेजेस, इस पर काफ़ी अच्छी सर्च वॉल्यूम आ रही है, एंड बैकपैकिंग ट्रिप्स इस पर अच्छी आ रही है, माउंट ये जो भी है, तो यू कैन हैव अ रफ आइडिया कि कौन से कीवर्ड्स पे कितनी सर्च वॉल्यूम आ रही है। इसमें जो एक और चीज़ है कि यू कैन स्टार्ट विद अ वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट का आप लोग URL डाल दो, और उसके बाद ये आपको बता देगा कि किस किस कीवर्ड्स के लिए ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। तो hikingguide.com यहाँ पे इन सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रही है। अब यहाँ पर एक और तरीका है कि इसकी एग्जैक्ट वॉल्यूम कैसे निकाली जाए, उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू रन अ कैंपेन, एक एड कैंपेन रन कर दो, सिंपल सा $1 का ही रन कर दो, ज़्यादा नहीं, ₹100 लगा दो उस पर एक दिन के लिए, एंड दैट विल बी इट टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आप लोग कोई सा भी कैंपेन रन कर दो, गूगल पे ट्यूटोरियल देख लेना, कोई सा भी सड़ा सा कैंपेन रन कर दो ₹100-150 में, उसके बाद ये यहाँ पर आपको एक्चुअल सर्च वॉल्यूम दिखाएगा कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे ये वाला मेरा अकाउंट है, इस पर मैं ऑलरेडी यहाँ पे कैंपेन्स को रन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा हाइकिंग ट्रिप्स, इंडिया ही रहने देते हैं इस बार, लेट्स गेट रिजल्ट्स। अब जी जो यहाँ पे मुझे एवरेज सर्च वॉल्यूम बताएगा, ये मुझे बताएगा एग्जैक्ट, यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, रेंज नहीं मिलेगी। इसमें आपको एक और चीज़ मिलती है, ये 3 month चेंज, जो कि आपको बेसिकली ट्रेंड बता देता है कि ट्रेंडिंग में है कि नहीं। तो अच्छे ट्रेंड वाले के लिए आप लोग इसको ट्रेंड से सॉर्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन कम डाउन, देख सकते हो कि कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे, जो कौन से कीवर्ड्स है जो भी ट्रेंडिंग में है। जैसे नियर मी वाले तो टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग, जैसे क्यूचिया NH150, आई थिंक ये किसी बैग का नाम होगा, शूज़ का नाम है, ठीक है, एथलॉन के शूज़ है, इट इज़ ट्रेंडिंग, और आप लोग इसका यहाँ पे रिव्यू भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिव्यू के कीवर्ड नहीं है, मतलब ठीक है, इंडिया एक सी है जो एक मेन है, बट आई थिंक इसका आप लोग रिव्यू करोगे तो इसके रैंक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, देखना है कि कौन सा ट्रेंडिंग में है, कितने कम लोगों ने उसके बारे में लिखा है। ऐसे अगर करोगे तो आई थिंक डेफिनेटली ये, तो अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली कवर करता अपने ब्लॉग के ऊपर। ये भी एक अच्छा है, ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल सेल्फ डिफेंस हाइकिंग स्टिक। तो मैं सेल्फ डिफेंस स्टिक के ऊपर, या तो अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा होता तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बेच लेता, या फिर इसके ऊपर मैं आर्टिकल्स भी लिख सकता कि बेस्ट सेल्फ डिफेंस स्टिक फॉर ट्रैवलिंग फॉर हाइकिंग
एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। नाउ रैंक करने के लिए सिर्फ आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जो कि आपकी टेक्निकल एसईओ में आती है, वो रहती है कि आपकी वेबसाइट कितनी तेज़ी से लोड हो रही है। उसके लिए वन थिंग दैट यू विल नीड इज़ अ ग्रेट होस्ट, ग्रेट होस्टिंग फॉर योर वेबसाइट, एंड दैट्स वेयर अवर स्पॉन्सर्स कम इन टू प्ले विच इज़ क्लाउडवेज। क्लाउडवेज एक ऐसी होस्टिंग कंपनी जिसको मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो मेरा खुद का ब्लॉग है kripeshadwani.com वो भी क्लाउडवेज के ऊपर है। रीज़न बीइंग वो आपको देते हैं मैनेज्ड होस्टिंग ऑन टॉप ऑफ योर अनमैनेज्ड होस्टिंग। तो आपके पास डेडिकेटेड सर्वर की पावर रहती है, जिसका मतलब ये रहता है कि आपकी वेबसाइट पे क्रैशेस कम होंगे, मतलब डाउन टाइम कम होगा और स्पीड आपको बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि कोई दूसरे वहाँ पे यूज़र्स नहीं रहेंगे जिस पे वो स्पीड डिवाइड होगी, रिसोर्सेज डिवाइड होगी, एंड ओवरऑल वो आपके एसईओ में काफ़ी हेल्प करेगा। प्लस अभी उनके वल्चर के हाई फ्रीक्वेंसी सर्वर्स भी आ चुके हैं विच आई रियली मिस, जो पहले नहीं थे लेकिन अब आ गए हैं। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ इफ़ यू वॉन्ट सुपर फास्ट स्पीड वल्चर के हाई फ्रीक्वेंसी सर्वर्स, जाके देख सकते हो क्लाउडवेज के ऊपर। मेरे नीचे दिए गए लिंक पर चले आना go.kripeshadwani.com/cloudways एंड देन यू कैन एंटर माई कूपन कोड कृपेश। इससे आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा और आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा फॉर 3 मंथ्स। और एक और चीज़ जो आपको मिलेगी वो रहेगा मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्लाउडवेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे मैंने बताया कि क्लाउडवेज होस्टिंग को कैसे यूज़ करना है, ईमेल्स वगैरह कैसे सेटअप करना है, सिक्योरिटी बैकअप्स वगैरह सब यहाँ पर इस कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। और एक और कोर्स मिलेगा कि ब्लॉग्स कैसे बनाने, इफ़ यू आर इनटू ब्लॉगिंग तो ब्लॉग्स कैसे बनाने, अच्छे ब्लॉग्स कैसे बनाने, लाइट वेट ब्लॉग्स आप लोग कैसे बनाओगे, उसकी सिक्योरिटी एसईओ सब कुछ कैसे देखना है, वो सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन, इस कोर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये दोनों आपको फ्री में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस कर लेना, कूपन कोड एंटर कर लेना एंड देन यू कैन मेल मी द रिसीट जिसपे आप लोग अपना ऑथराइजेशन डेट और टाइम लिख देना कि कब उसको आपने पेमेंट करी है। जब आप लोग पेमेंट करोगे दैट विल बी योर ऑथराइजेशन डेट और टाइम, एंड उसके बाद आपको मेरी टीम को ईमेल कर देना है team@kripeshadwani.com। वो वेरीफाई करेंगे कि आपने परचेस किया है नहीं किया है। वंस वेरीफाइड यू विल गेट द एक्सेस टू दीज कोर्सेज फॉर फ्री। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट टूल है वो है रायन रॉबिन्सन का एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल आता है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपको सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आई विल एंटर द कीवर्ड हाइकिंग, लेट्स सबमिट दिस। आप लोग यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हो, तो लेट्स सेलेक्ट इंडिया हियर, आई क्लिक सबमिट। सो यहाँ पर इसने मुझे कुछ कीवर्ड दे दिए हैं, फेडरल रिजर्व, ये हमसे रिलेटेड नहीं है। सो आपको ये वॉल्यूम दे देता है, डिफ़िकल्टी दे देता है एंड ये कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स देगा आपको, जैसे हमने पहले गूगल कीवर्ड प्लानर पे देगा वैसे नहीं रहेंगे, यहाँ पे आपको थोड़े डिफरेंट कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो वैरायटी के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन, यू कैन कंसीडर बेस्ट हाइकिंग डॉग्स, ठीक है। रेट्रो हाइकिंग शूज़, दिस इज़ अ न्यू कीवर्ड लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई बता रहा है ये। और मैं आपको एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। डू लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, कमेंट करके मुझे बताना। अगर अच्छे कमेंट्स और व्यूज़ आए तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको यहाँ पे टूल्स बता रहा हूँ, तो आइडियाज़ भी आपको दे देगा कि कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर अपना सीट कीवर्ड डाल दो एंड यहाँ पर यू विल गेट सम आइडिया व्हाट हाइकिंग मीन्स एंड व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, तो ये आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ भी दे देगा। अगर आपने आंसर द पब्लिक कभी यूज़ किया हो तो ये काफ़ी उसके जैसा रहेगा। नेक्स्ट जो मैं एक ऑप्शन बताऊंगा वो रहेगा सेमरश। इसका पेड प्लान तो अच्छा है ही लेकिन जो इनका फ्री वाला प्लान है वो भी आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके दे देगा। वी विल गो हियर कीवर्ड ओवरव्यू एंड यहाँ पे यू कैन एंटर द कीवर्ड। फिलहाल के लिए मैं भी अपना मेन कीवर्ड डाल देता हूँ हाइकिंग और इंडिया। लोकेशन अब आपको, ठीक है लोकेशन हमारी इंडिया रहेगी, स्टेट वाइज सिलेक्ट कर नहीं सकते हो फ्री प्लान में, तो आई विल क्लिक सर्च। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके साइन अप करोगे सेमरश के ऊपर तो आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। तो इफ़ यू वांट पेड परफॉर्मेंस फॉर फ्री, जाके नीचे साइन अप कर लेना, आपको कुछ हफ्ते का फ्री ट्रायल तो मिल ही जाएगा। तो ये रहा हाइकिंग का, इसकी वॉल्यूम बता रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है, US, इंडिया, कितनी सर्चेस कहाँ पे, कितनी सर्चेस हो रही है एंड देन नीचे यू विल गेट सम आइडियाज़, कीवर्ड वेरिएशंस इसके क्या क्या रहेंगे, क्वेश्चंस वगैरह, और यहाँ पे आपको बता देगा, सर्प रिजल्ट्स भी दे देगा आपको एंड जो रेफरेंस डोमेन्स है और DA वगैरह है वो आपको सिर्फ इनके पेड प्लान पर ही देखने को मिलेगा। बट स्टिल इट इज़ गुड इनफ कि आपको यहाँ पे सर्प रिजल्ट्स भी यहीं पर ही दे रहा है एंड यू कैन जस्ट क्लिक व्यू ऑल कीवर्ड्स। तो आपको शुरुआत में कुछ कीवर्ड्स दे देगा फॉर फ्री एंड दिन के आप लोग यहाँ पे 10 कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, 10 के ऊपर इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी फ्री प्लान के लिए। इन दैट केस यहाँ पर एक और टूल मैं आपको बताता हूँ, वो है द हॉट का। ये जो पावर्ड बाय है, दिस इज़ पावर्ड बाय सेमरश, तो यहाँ पर आपको सेम सेमरश का डेटा ही मिलेगा। तो अगेन यहाँ पर हम लोग हाइकिंग टिप्स डाल देते हैं एंड आई विल से व्यू कीवर्ड रिसर्च। सो यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा वो सेमरश से आएगा, लेकिन एक जो मेन लिमिटेशन है वो ये है कि आपको सिर्फ यहाँ पे 4 ही कंट्रीज़ मिलेगी, कॉम, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड कैनेडा।
तो ये चार कंट्रीज़ है, इसके अलावा आप लोग इंडिया वगैरह से सर्च नहीं कर पाओगे, बट स्टिल अगर आप लोग यूएस वगैरह में टारगेट कर रहे हो तो इट्स अ गुड कीवर्ड रिसर्च ऑप्शन। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है और सेमरश का मिल रहा है तो दैट इज़ गुड। इन्होंने यहाँ पे लिमिटेशन मेंशन नहीं करी है बट आई थिंक ये भी किसी ना किसी पॉइंट पे तो लिमिट आपको कर ही देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एचरेफ्स का फ्री कीवर्ड जनरेटर। यहाँ पे यू कैन एंटर द कीवर्ड हाइकिंग टिप्स फाइंड कीवर्ड्स ओके एंड देन दिस विल गिव यू द कीवर्ड हियर। यहाँ पे क्या कीवर्ड है, कभी ये लास्ट अपडेट किया गया है, जैसे हाइकिंग टिप्स फॉर बिगनर्स, सोलो हाइकिंग ट्रिप्स, ये इजी इजी बता रहा है बट एक्चुअल में इजी रहेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है रैंक करने के लिए इजी रहेंगे, बट दीज आर सम बेसिक ऑप्शन। ये आपको बेसिक कीवर्ड वॉल्यूम तो दे देगा, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको सिर्फ कीवर्ड वॉल्यूम चाहिए तो फिर इसका यूज़ करो, बट अगर सिर्फ कीवर्ड वॉल्यूम आपको की उससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो दूसरे टूल्स हैं उनका यूज़ करो फ्री में, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पेड में एचरेफ्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, फ्री में ये थोड़ा लिमिटेड है। नेक्स्ट जो टूल है वो है वर्ड स्ट्रीम। ये एक्चुअल में गूगल कीवर्ड प्लानर से ही आपको उठा के देगा डेटा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हाइकिंग टिप्स, ये एड्स के लिए है वैसे, लेकिन हम लोग एसईओ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का डेटा चाहिए फॉर फ्री, यू कैन यूज़ दिस, लेकिन इसमें आप लोग सिर्फ दो क्वेरी कर सकते हो दिन की, बल्कि गूगल कीवर्ड प्लानर पे इट इज़ गोइंग टू बी अनलिमिटेड। तो ये रही सर्च वॉल्यूम, ये इसने गूगल कीवर्ड प्लानर से निकाल के दिया। अगर आपको कैंपेन नहीं बनाने हैं तो इसका यूज़ कर सकते हो। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए एक और यूनिवर्सल मेथड जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है वो गूगल का खुद का कीवर्ड का ऑटो सजेशन। ये क्या होता है, हाइकिंग डालने के बाद जो भी है मुझे ऑप्शंस दे रहा है, दिस इज़ ऑटो सजेशन। इस पर आप लोग ए टाइप कर सकते हो एंड देन जो भी आपको सजेशंस आ रहे हैं यू कैन सी कि किस पे आप लोग आर्टिकल लिख पाओगे। अब इसके लिए एक टूल भी है, आपको इतनी यहाँ पे मेहनत नहीं करनी, ए बी सी डी नहीं डालना है, इसके लिए मैं दो टूल्स बताता हूँ। कीवर्ड डॉट आई ओ है, यहाँ पे आई विल एंटर हाइकिंग, कंट्री सिलेक्ट कर लो देन सर्च। और एक और यहाँ पे टूल है, ये गूगल कीवर्ड टूल, कीवर्ड टूल डोमिनेटर, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगेन आई विल एंटर हाइकिंग और ये मुझे गूगल से सर्च करके दे देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया है इसने, ये पूरे कीवर्ड्स का दे दिया है, ए टाइप किया तो क्या आ रहा है, बी टाइप किया तो क्या आ रहा है, सी किया तो क्या आ रहा है, तो इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे दे देगा। यू कैन जस्ट यूज़ दिस लिस्ट, उसमें से आप लोग ऐसे गो थ्रू कर सकते हो कि नहीं यार ये कुछ कीवर्ड्स है जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है, एंड देन यू कैन सर्च जैसे टॉप 10 हाइकिंग ट्रेल्स इन द वर्ल्ड, इसका आप लोग देख सकते हो कि कॉम्पिटिशन वगैरह कितना है। कॉम्पिटिशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अगेन डू लेट मी नो। जैसे क्विचा, मुझे उसका नाम नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, बट ये जो भी है इसको आप लोग इस पर लिख सकते हो, मैंने इसकी पहले भी सर्चेस देखी है, तो यू कैन सी एंड कितने लोग इस पे रैंक कर रहे हैं। इस पे अच्छी खासी वॉल्यूम थी, हम पहले उस पे देख चुके हैं, तो ये आपको और आपके आइडिया को कंफर्म करने में हेल्प करेगा। उसी तरीके से ये भी है एंड हो गया इसका भी ऑलमोस्ट 346। अब ये हाइकिंग शूज़, हाइकिंग बूट्स, ये जो आपको बता रहा है यहाँ पर, ये आपको ऑटोमेटिकली रैंक करके बता रहा है कि पहले यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये ए बी सी करके नहीं बता रहा है, ये गूगल जो पहले सजेस्ट करता है, जैसे गूगल शूज़ सजेस्ट करता है, बूट्स सजेस्ट करता है, ट्रेल्स नियम ही सजेस्ट करता है, सैंडल्स, पैंट्स, ये उस हिसाब से आपको बता रहा है, ना कि ए बी सी डी के हिसाब से। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जो ऊपर बताएगा उसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, जो नीचे बताएगा उसकी सर्च वॉल्यूम थोड़ी कम है कंपेयर टू जो ऊपर है, लेकिन फिर भी इस पे आप लोग देख सकते हो SCP अच्छे खासे यहाँ पर आपको कीवर्ड के आइडियाज़ मिल जाएंगे। हाइकिंग इन सेडोना, हाइकिंग वर्सेस वॉकिंग, इस पे एक अच्छा वीडियो भी बन सकता है, शॉर्ट्स भी बन सकते हैं, तो यू कैन जस्ट गेट फ्यू आइडियाज़ कि यहाँ पे गूगल क्या सजेस्ट कर रहा है। इस पे वॉल्यूम मत देखो ज़्यादा कि वॉल्यूम कितनी आ रही है, अगर गूगल पे सर्च हो रहा है मतलब उस पे वॉल्यूम आ रही है, यू जस्ट गो एंड राइट दिस टॉपिक अगर उस पे कॉम्पिटिशन कम है तो। अगला जो टूल है वो काफ़ी पॉपुलर है जिसका नाम है सफर SEO। इनका एक क्रोम एक्सटेंशन है, ये आप लोग फ्री में यूज़ कर सकते हो। ये आपकी कीवर्ड वॉल्यूम तब बताएगा जब आप कोई भी टर्म को गूगल पे सर्च करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइकिंग स्टिक को सर्च किया है, तो इट विल टेल यू कि उसकी कितनी वॉल्यूम आ रही है। यहाँ से यू कैन चेंज द कंट्री, इंडिया में चाहिए, यूएस में चाहिए, जैसे हाइकिंग स्टिक की वॉल्यूम इंडिया में 880 है, और ये कुछ कीवर्ड सजेशंस भी दे देगा। लेकिन इनका जो डेटाबेस है वो मुझे काफ़ी कम लगा है कंपेयर टू अदर टूल्स जो भी हमने अभी लिस्ट में डिस्कस करे हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइकिंग स्टिक वाटरप्रूफ में डालूंगा तो इसका कोई डेटा नहीं है इनके पास, ये जीरो बता रहा है, बट मुझे नहीं लगता इसकी वॉल्यूम जीरो है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा है इससे। अब यहाँ तक आप लोग रुके ही हो तो मैं आपको एक बोनस टूल बताता हूँ जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैच इज़ कि यहाँ पे क्वेरीज काफ़ी लिमिटेड है, महीने में सिर्फ 10 क्वेरीज आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको वो इतनी डिटेल्स दे देगा जितना कोई और फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल आपको नहीं दे रहा है एट प्रेजेंट। उसका नाम है मॉस, मॉस का यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टूल है, वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको दिखेगा। तो जब आप लोग अपना कीवर्ड फाइनल कर लो उसको यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर रन करके रिपोर्ट ले लेना। जो मुझे जो कीवर्ड अच्छा लगा था वो था ये क्विचुआ NH150, ये मुझे लगा था कि ये बिक रहा है इंडिया में, तो आई विल से इंडिया। मैं इसका अगर रिव्यू लिखना चाहूँ
आई क्लिक एनालाइज। अभी यहाँ पर मुझे कोई वॉल्यूम नहीं बता रहा है क्योंकि एक नया कीवर्ड है, लेकिन मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर पर देखा है कि उस पे इसकी वॉल्यूम है। दैट मीन्स कि आपको गूगल कीवर्ड प्लानर को वेटेज देना चाहिए कीवर्ड रिसर्च के लिए, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको एक कीवर्ड सजेशंस भी बताएगा, इससे क्वेश्चंस भी बताएगा, और नीचे आओगे तो आपको सब भी बताएगा कि कौन से यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको डोमेन अथॉरिटी भी मिल जाएगी, तो अगर जैसे लो अथॉरिटी वेबसाइट्स है, जैसे कि यहाँ पर indiahex.com है, इट इज़ रैंकिंग। एंड उसके बाद नीचे ये जो फ्लिपकार्ट वगैरह, अगर इसको आप लोग छोड़ दोगे तो डिकैथलॉन है, बट अगर रिव्यू वाले टर्म के लिए जाओगे तो आई थिंक यू कैन रैंक फॉर दिस कीवर्ड। और एक और मैं यहाँ पर हम लोग कीवर्ड रिसर्च करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। जैसे वाटर प्रूफ हाइकिंग बैग्स, इसको हम लोग इंडिया में सर्च करते हैं तो इसकी मंथली वॉल्यूम ये हमें कम बता रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इसकी वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी इससे। और यहाँ पे ऑर्गेनिक CTR, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि एक्चुअल में कितने लोग रिजल्ट पे क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही सर्च करके नहीं जा रहे हैं, AI से पढ़ के नहीं जा रहे हैं, रिजल्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक CTR मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, कोई भी फ्री टूल आपको ये नहीं बताता है। तो जिसका ऑर्गेनिक CTR ज़्यादा हो उस पर लिखना, जिसका 50% हो या 70% हो उसको छोड़ देना। डिफ़िकल्टी लो है इसकी, अगेन यहाँ पर हम लोग नीचे जाएंगे तो सजेशंस आपको दे देगा और क्वेश्चंस भी दे देगा, और नीचे जाएंगे तो ये आपको दे देगा कि कौन कौन सी वेबसाइट इस पर रैंक कर रही है अभी। और जाहिर सी बात है इस पर मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट ही रहेगी अभी, तो मैं इसके आगे पीछे करके कुछ लिख सकता हूँ, जैसे 12 बेस्ट वाटर प्रूफ बैक पैक्स, ये 44 है, दिस इज़ रैंकिंग। एंड ये 20 वाला भी एक है कोई, ट्रैक एंड राइड, अगर ये रैंक कर रहा है तो मैं भी यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ। तो आपको इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करके देखना पड़ेगा कि कितने DA वाले रैंक कर रहे हैं एंड कितने आपके चांसेस है। यू विल जस्ट नीड टू विजिट दिस वेबसाइट, तो आपको ये देखना है कि इन्होंने कैसा लिखा हुआ है। अगर इनका यहाँ पर आर्टिकल अच्छा है, इससे अगर आप लोग अच्छा लिख सकते हो दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो रैंक। जैसे ये जो इन्होंने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि इसने एक्चुअल में टेस्ट भी किया है या बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू राइट ऑन दिस कीवर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च होती है फॉर फ्री। आई होप यहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर आपको और वीडियोस चाहिए इन टॉपिक से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पे व्यूज़ और कमेंट्स अच्छे हैं तो हम लोग और बनाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर कर देना प्लीज़, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। और क्या था, मुझे फॉलो कर सकते हो कृपेश आडवाणी ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन माई ब्लॉग। मैं हर जगह पे कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ एंड हर जगह पे मेरा डिफरेंट कंटेंट रहता है। तो इस पर्टिकुलर नीश में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन ऑल द चैनल्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो एंड आई होप यू गाइज हैव वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।